ईडीयू फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। मैं यहाँ पर मशीन के कुछ बेसिक क्वेश्चन को डिस्कस कर रही हूँ जो जनरली सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आइडियल ट्रांसफार्मर का क्या प्रॉपर्टी है, क्या गुण है। पहला प्रॉपर्टी ये है कि इसमें कोई भी रेसिस्टेंस नहीं होता है, नो वाइंडिंग रेसिस्टेंस। दूसरा प्रॉपर्टी है कि इसमें नो लीकेज फ्लक्स या फिर आप बोल सकते नो लीकेज रिएक्टेंस ऑल्सो। अगर लीकेज फ्लक्स नहीं है तो लीकेज रिएक्टेंस भी नहीं है, वो कैसे होगा मैं बताऊंगी, ठीक है। थ्री नंबर में है कि नो आयरन लॉस। फोर नंबर में है जीरो मैग्नेटाइजिंग करंट, ठीक है। IM से डिनोट करें मैग्नेटाइजिंग करंट को, ठीक है। तो जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो दो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, एक प्राइमरी वाइंडिंग होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, इन दोनों को ही कंसीडर किया जाता है कि ये दोनों ही प्योरली इंडक्टिव कॉइल है। दोनों ही कॉइल जो है प्योरली इंडक्टिव कॉइल है और वो बिल्कुल ही लॉस फ्री है, बिल्कुल इसमें लॉसेस नहीं है, ठीक है। तो हम धीरे स्टार्टिंग से जान लेते हैं कि नो वाइंडिंग रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है। सिंपली जो हमारा वाइंडिंग है, जो हमने प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग किया है, उसमें कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है, बिल्कुल रेसिस्टेंस जो है वो हमारा जीरो है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं सेकेंड पॉइंट, हमने बोला नो लीकेज फ्लक्स। तो सबसे पहले जानते हैं लीकेज फ्लक्स किसको बोलते हैं, ठीक है। ऐसा फ्लक्स जो पास करता है वाइंडिंग के इंसुलेटर में या फिर ट्रांसफार्मर ऑयल में, लेकिन वो पास नहीं करता वाइंडिंग में। ऐसा फ्लक्स जो वाइंडिंग के इंसुलेशन में पास करता है और ट्रांसफार्मर ऑयल इंसुलेशन जो है उसमें पास करता है फ्लक्स, इस तरह के जो फ्लक्स होते हैं उसको लीकेज फ्लक्स कहते हैं। वो वाइंडिंग में पास नहीं करता है, ठीक है। जिसके वजह से क्या होता है, इस लीकेज फ्लक्स के वजह से क्या होता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में एक लीकेज रिएक्टेंस इंड्यूस होता है, ठीक है। तो अगर लीकेज फ्लक्स जीरो है, नो लीकेज फ्लक्स है, तो नो लीकेज रिएक्टेंस ऑल्सो, ठीक है। और इस घटना को, जो लीकेज फ्लक्स का जो घटना हो रहा है, इस घटना को हम बोलते हैं मैग्नेटिक लीकेज, ठीक है। तो जब अगर लीकेज फ्लक्स जीरो है तो नो मैग्नेटिक लीकेज ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा नो आयरन लॉस, ठीक है। आयरन लॉस पहले हम लोग जान लेते हैं आयरन लॉस क्या होता है, ठीक है। आयरन लॉस इज नथिंग बट कोल लॉस, ठीक है। तो कोल लॉस जो होता है वो जनरली मैग्नेटिक मटेरियल पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो कोल लॉस होता है वो जनरली कोर करंट की वजह से होता है, IC जिसको बोलते हैं कोर करंट, जनरली कोर करंट की वजह से होता है। कोर करंट जो रिक्वायर्ड होता है टू मेक अप द हिस्टेसिस एंड ईडी करंट लॉस, जो कोर करंट होता है वही हिस्टेसिस और ईडी करंट लॉस जनरेट करता है ट्रांसफार्मर में, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आयरन लॉस नहीं है तो यहाँ पर कोई भी कोर करंट नहीं है तो ये इसमें ना तो हिस्टेसिस लॉस होगा ना तो ईडी करंट लॉस होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में आते हैं जीरो मैग्नेटाइजिंग करंट। और एक और बात, जो आयरन लॉस होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं हिस्टेसिस प्लस ईडी करंट लॉस, इन दोनों का समेशन जो होता है आयरन लॉस होता है। और जो आयरन लॉस होता है प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में वो कांस्टेंट होता है विथ लोड और विदाउट लोड, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ नंबर में जीरो मैग्नेटाइजिंग करंट। अब मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होता है, वह करंट जो प्रोड्यूस करता है फ्लक्स इन द कोर, कोर में जो फ्लक्स प्रोड्यूस करता है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट। होता क्या है कि जब हम प्राइमरी वाइंडिंग से ट्रांसफार्मर है, ये इसका प्राइमरी वाइंडिंग है, ये हमारा कोर है और ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग है, ठीक है। तो जब हम सेकेंडरी वाइंडिंग को नो लोड मतलब विदाउट लोड रखते हैं तो उस समय हम जब सप्लाई देते हैं प्राइमरी में AC सप्लाई, तो इसमें करंट इंड्यूस होता है, ठीक है। ये जो इंड्यूस करंट होता है इसी करंट को हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट, ठीक है। नो लोड कंडीशन में, जब सेकेंडरी नो लोडेड कंडीशन में है तो इसमें जो करंट जनरेट होता है इसको एक्साइटिंग करंट भी बोलते हैं, इस एक्साइटिंग करंट को ही बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट, ठीक है।
तो जनरली हम लोग देखते होंगे प्रैक्टिकल जो ट्रांसफार्मर होता है जो हम लोग जनरली यूज करते हैं उसमें हम देखे हैं कि जो कोर करंट और मैग्नेटाइजिंग करंट दोनों ही दिखाए जाते हैं, और मैग्नेटाइजिंग करंट जो होता है फ्लक्स के फेज में होता है, और हमारा जो कोर करंट होता है वो हमारा ईएमएफ के इंड्यूस ईएमएफ के फेज में होता है, ठीक है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट मिलता है वही हमारा होता है नो लोड करंट। लेकिन जब आइडियल का केस हम लेते हैं तो आइडियल के केस में क्या होता है, ना तो मैग्नेटाइजिंग करंट होता है ना हमारा कोर करंट होता है, जिसके वजह से क्या होता है ओवरऑल जो हमारा नो लोड करंट होता है वो इन द फेज ऑफ ई होता है, मतलब आई नोट जो होता है वो हमारा इंड्यूस ईएमएफ के फेज में होता है, ठीक है। ये हमारा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम है, और जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है उसमें नो लोड करंट जो होता है वो इंड्यूस ईएमएफ के फेज में होता है, इन फेज, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आईसी करंट को, हम लोग बोलते हैं आईपी मतलब हिस्टेसिस करंट प्लस ईडी करंट, इन दोनों का सम होता है कोर करंट, और इसको हम और भी डिनोट करते हैं कोर लॉसेस डिवाइडेड बाय ईवन, दिस इज नथिंग बट कोर करंट, ठीक है। तो एक्साइटिंग करंट जो होता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट, वो जनरली फ्लो करता है इन द प्राइमरी में फ्लो करता है बिकॉज ऑफ द कोर लॉसेस की वजह से ये फ्लो करता है, और दूसरा रीज़न है फाइनाइट परमेबिलिटी ऑफ द कोर का जो परमेबिलिटी होता है फाइनाइट होने की वजह से एक्साइटिंग करंट फ्लो होता है प्राइमरी वाइंडिंग में, और दूसरा रीज़न मैंने बताया कोर लॉसेस की वजह से प्राइमरी वाइंडिंग में एक्साइटिंग करंट फ्लो करता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट। तो आइडियल के केस में क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होता है, हमारा जीरो होता है, ठीक है। तो हमने टोटल फोर चीज़ें देखें जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है। पहला कि इसमें कोई भी रेसिस्टेंस नहीं होता है, नो वाइंडिंग रेसिस्टेंस, दूसरा हमने पढ़ा नो लीकेज फ्लक्स, तीसरा नो आयरन लॉस, और फोर्थ जो था जीरो मैग्नेटाइजिंग करंट। इन सभी के वजह से जो ट्रांसफार्मर है उसके प्राइमरी और सेकेंडरी जो क्वाइल्स होता है वो इंडक्टिव नेचर का होता है, प्योरली इंडक्टिव होता है, नो रेसिस्टेंस, प्योरली इंडक्टिव नेचर का होता है, और ये बिल्कुल ही लॉस फ्री होता है हमारा कोर, ठीक है। जो ट्रांसफार्मर, जो आइडियल ट्रांसफार्मर है उसके जो कोर होते हैं वो लॉस फ्री कोर होता है। तो मैंने इस वीडियो में देखा कि आइडियल ट्रांसफार्मर का क्या प्रॉपर्टी है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।